हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अजमा जी दाता प्लांट्स केयर। ये क्रिस्टेमोनियम प्लांट्स है, बहुत सारे फूल लगे थे। अब फूल ख़त्म होने को है और थोड़े फूल सूख भी गए हैं। अभी थोड़े थोड़े इसलिए पूरे ख़त्म, इसको निकालना नहीं चाहती। क्रिस्टेमोनियम प्लांट्स को दोबारा करने के लिए नहीं, इतना अच्छा नहीं रिजल्ट आता। नियम को कॉम्प्लेम से ही लगा सकते हैं, जिससे इसका रिजल्ट अच्छा। एक बार फूल होने के बाद फूल और दोबारा नहीं लगते, और प्लांट्स को कॉम्प्लेंसी रिपोर्ट कर सकते हैं। देखिए कितना कितनी किस तरह से सूख गए हैं फूल और प्लांट्स, और इसको सूखने के बाद और इसके कॉम्प्लेन लगेंगे, या किधर से भी इसके कॉम्प्लेन लेकर और बालू में और मिट्टी में ग्रोथ करके इसकी रूटिंग्स आने के बाद और दोबारा लगा सकते हैं। इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, अच्छी फूल की ग्रोथ भी हुएगी। इससे पहले मैंने बहुत सारे मेरे गार्डन में लगे हैं और मैं वीडियो भी बहुत सारे बना चुकी हैं, देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके। एक क्लूस है और ये लेमन ग्रास है। इसी ये पत्तियों से यूज़ करने से कोलेस्ट्रॉल कम होके वेट लॉस हो सकता है। दिन में एक बार वेट लॉस के लिए पी सकते हैं, हेल्थ को बहुत अच्छा है। और ये लॉन्ग ब्रिंजल प्लांट है, मैंने ऑनलाइन में इसके बीज मंगा के डाली थी। अभी गन लगने के बाद इसकी अपलोड दूँगी, अच्छे से ग्रोथ हो रहा है 10 इंच के पार्ट में फ्रेंड्स। और ये जड़ा प्लांट है, ये भी ऑनलाइन में मंगाया था मैंने। और ये ग्रीन ब्रोकली है, अभी ब्रोकली लगी नहीं, इतने दिनों से अभी ग्रोथ ही हो रही है ये प्लांट्स की। मैं भी ब्रोकली देखने के इंतज़ार में ही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, स्पाइडर प्लांट में कितने बेबी लगे हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ भी हुई है। बिगनर्स जो हैं आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। और क्रिस्टेमोनियम थोड़े थोड़े है प्लांट्स में फूल, और ये यहीं शो की ऐसी ही बेल है, और ये कटिंग से लगाई थी मैंने, बेबी स्नेक प्लांट्स हैं छोटे छोटे। और इधर भी स्पाइडर प्लांट के बेबीज है, मैंने बहुत सारे बेबीज निकाल के इस तरह से बाटली को कटिंग करके बाटली में भी डाली हूँ। अभी नेक्स्ट अच्छी ग्रोथ होना है। ये मार्बल मनी प्लांट है फ्रेंड्स, अच्छी ग्रोथ हो रही है, अभी इस पर फूल आए नहीं। अच्छा लगे लाइक कर देना फ्रेंड्स।